मजदूर बाणी टीवी देख रहे सारी दर्शकों का मैं बलकार रामगढ़िया स्वागत करता हाँ। अज पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ी मार्जन नाल जित प्राप्त की है ते साडे राणिया शहर विच भी इस जित की खुशी नूं लैके सारे आम आदमी पार्टी के वर्कर जिहड़े इकट्ठे होए है और उन्होंने पद यात्रा कढ़ी है और पूरे बाजार दे विच लड्डू वंडे गए हैं। साडे नाल मौजूद हन हैप्पी राणिया जी जो कि राणिया हल्के के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं आम आदमी पार्टी वालों। सब तो पहला तो इन्हां दा स्वागत करते हैं। स्वागत है हैप्पी तुहाडा। सत श्री अकाल जी। सब तो पहला तुहानूं बहुत बहुत बधाइयां। तुहानूं चुनाव प्रभारी राणिया हल्के का बनाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ जी, तो अज की जित नूं लैके की कहना चाहोगे और की संदेश देना चाहते हो? सब तो पहला जी असीं सारे ही वीरना फतेह की सांझ पावांगे। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सो जिहड़ी ये जित लोकां दे अंदर जिहड़ा 70 साल तो जिहड़ियां ये रवायती पार्टियां उन्हां दे लीडरां ने जिहड़ा तंग कर रखिया सी पब्लिक नूं जिहड़ी ये भ्रष्टाचार करदे सीगे। देखिया जाए तो इन्हां हर एक पोलीटिकल घराने दे कोल अरबां खरबां की दौलत हो चुकी है। पंजाब दे अंदर जिस तरह इन्हां ने लुट खोह करी हुई है, रेते का जिन्ना भी जिहड़ा कम सी उह सारा इन्हां ने आपदे अंडर करिया होया। ट्रांसपोर्ट, शिक्षा, हर एक चीज़ नूं इन्हां जिहड़ा संविधानिक ढांचा है उसनों भी ये तबाह कर चुके सी। सो जिहड़ी ये जिते लोकां दा उह रोस सी 70 सालां दा जिहड़ा कि इन्हां दे विच असीं देखिया जे कि बादल परिवार का एक भी मैंबर नहीं जिहड़ा इस बार विधानसभा दे विच पहुँच रहा। यह पहली बार होया है क्योंकि लोग जाग उठे ने। जिहड़ी ये नवीं पनीरी हुण उठी है, जो यूथ अगे आ रहा है, जो इस किसानी अंदोलन साडा चलिया सी उस अंदोलन ने जिहड़ी लोगों नूं एक जागरूकता बख्शी है कि जिहड़े लीडर ने ये साडे ही पैदा किए हुए ने, उन्होंने लीडरां नूं सवाल करना शुरू करिया लोगों ने ताकि जिहड़े असीं तुहानूं चुण के विधानसभा च भेजदे आ असीं तुहाडे गुलाम नहीं गए। क्योंकि पुराने रवायती सिस्टम दे विच ये देखिया जांदा सी कि लीडर आ जांदा सी एक राजे दे तरह ते सारे लोग उहदे थल्ले हत्थ जोड़ के बैठ जांदे सी। हुण जिहड़ी नवीं पनीरी है, जो नवां साडा यूथ है, उह साडे वीर सारे सवाल करन लग गए ने इन्हां लोकां नूं कि तुसीं साडे चुने हुए नुमाइंदे हो, तुसीं साडे लई जांदे हो, साडे लई की कर रहे हो। सो उन्हां लोकां ने आपदा गुस्सा देखिया जदों इन्हां दे कोल उन्हां दे सवालां दे कोई जवाब नहीं सी। इन्हां नूं रोज़गार देण दे लई जिहड़ा नशा इन्हां ने फैलाया पंजाब दे अंदर, उस नशे दे लई ये सारे लोग जिम्मेवार सन लीडर। जदों कि लोग पब्लिक इन्हां नूं सवाल करदी सी ते इन्हां कोल कोई जवाब नहीं हुंदा सी क्योंकि कांग्रेस वाले अकालियां दे उपर दोष मढ दिंदे सन कि अकाली नशा फैलाउंदे ने, अकाली कांग्रेस दे उपर मढ दिंदे सी। सिर्फ यही चलदा रहा। जिस तरह फिर बेदबी दीआं घटनावां होईआं, साडे इष्ट श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की जिस तरह बेदबी करी गई उहदे विच जिहड़ा इन्हां ने पखंड फड़िया कि इन्हां ने उन्हां दे परचे दर्ज कर देने SIT 'च, जे कोई नतीजा निकल लग्गिया उहनूं कैंसल कर देना। सो लोकां ने हर एक चीज़ का वो बदला लिया है, वह वोट की चोट नाल लिया है। एड्डा वड्डा बहुमत जिहड़ा दित्ता है वह एक लोकतंत्र की जित है, वह लोगों की जित है। सो हुण इन्हां राजनीतिक घरानियां नूं पता लग गया कि सानूं लोगों के रहना पएगा, पब्लिक के रहना पएगा। लोग जिहड़े साडे गुलाम नहीं गए, साडे राजे असल राजे लोग ने, पब्लिक है, सानूं इन्हां लई कम करना पएगा। तां करके इन्ना वड्डा बदलाव आया जी। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। भगवंत तेरी सोच ते पैरा दियांगे ठोक के। भगवंत तेरी सोच ते पैरा दियांगे ठोक के। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। ते दर्शको देखे तुसी किन्ना जोश है कार्यकर्ता दे विच, बहुत ज़्यादा खुशी मनाई जा रही है। तो हैप्पी जी सानू ये दसो भी आने वाले दिनों दे विच पंजाब दे विच की बदलाव लोगों नूं देखण नूं मिलणगे ते हरियाणे दे उत्ते आने वाले इलेक्शन इस जित का की इफेक्ट पेगा? देखो जी, बदलाव ऐसा तीसरी बार लगातार दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। श्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक ही गल कही सी कि अगर असी कम करें तो सानू वोट दो। तो पंजाब के अंदर भी उन्होंने यही दोहराया सी कि सानू एक मौका दे दो, अगर असी कम करांगे तो अगली बार थोड़े को आ के वोट ऐसे काम से मंगांगे कि असी कम करिया तो सानू वोट दो, अगर असी 5 साल कम ना करांगे तो सानू अगली बार नैक्सट प्लान दे विच सानू वोट ना दे आ जाए। सो जिस तरह दिल्ली के स्कूल, दिल्ली का रिजल्ट असी देख सकते हैं कि जिस तरह 95% तो भी प्लस हो गया, 98% के करीब पिछला आया सी रिजल्ट। सो एक बड़ा वड्डा बदलाव शिक्षा के क्षेत्र के रोज़गार के क्षेत्र के लोगों को जिस तरह की राशन के जिहड़े ने घरे उन्होंने मिलन लग गया पैकिंग हो के, जो साडे कम ने भ्रष्टाचार नूं रोकण दे एक कॉल के उपर साडे कम सरकारी अफसर घर आ के कर जांदा है। सो उस तरह के बदलाव सानू पंजाब विच देखण नूं मिलणगे। तो पंजाब दे नाल टच लगता साडा हरियाणा है, हरियाणा के अंदर भी एक बहुत वड्डा प्रभाव है क्योंकि 2024 के जिहड़े इलैक्शन ने उन्हां दे अंदर देखण नूं मिलेगा क्योंकि 2 साल पार्टी दे कोल कम करके जो पार्टी दिखाएगी उसका हरियाणा दे अंदर रिजल्ट जरूर मिलेगा क्योंकि साडे लगभग सारे ही लोगों दी उधर रिश्तेदारियां आना जाना क्योंकि हुण भी आम आदमी पार्टी दी एक बहुत वड्डी टीम पंजाब दे अंदर भी जिहड़ी वर्क कर रही सी फील्ड तौर पर जाके
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉੱਧਰ ਦਾ ਜੋ ਬਦਲਾਵ ਆਏਗਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਕਾਏ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਬਕਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਸਭ ਜਾਣੂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਗਰ ਨਿਕਾਏ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦਿਖੇਗਾ, ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇਗੀ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕਰ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਕਰੀ, ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੀ, ਫੋਨ ਕਰੇ, ਪੋਸਟ ਪਾਈ, ਸਭ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਨਮਤ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੇਕਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਰੇ ਉੱਤਰ ਸਕੀਏ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਹੈਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਿਕਾਏ ਚੁਣਾਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਊਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਾਵ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।